पानीपत को लेकर भी महाराजा सूरजमल की चौदहवीं पीढ़ी यानी कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि फिल्म में जिस तरह महाराजा सूरजमल के बारे में गलत बातें की गई हैं वो गलत हैं और उनका विरोध कभी उग्र हो सकता है। सहयोगी योगेश शर्मा ने की विश्वेंद्र सिंह से खास बातचीत। पानीपत फिल्म से जुड़ा, पानीपत फिल्म में महाराजा सूरजमल को लेकर जिस तरह का घटनाक्रम दिखाया गया, चित्रण किया गया है, हमारे साथ खुद महाराजा सूरजमल के वंशज यहाँ मौजूद हैं। विश्वेंद्र सिंह खुद भरतपुर के पूर्व महाराजा हैं और चौथवीं पीढ़ी, चौदहवीं पीढ़ी इनकी है। हम जो सीधी जो चौदहवीं पीढ़ी है उसमें वो आते हैं, हम बात करेंगे जिस तरह, क्योंकि आपने देखी नहीं फिल्म इसलिए मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, लेकिन क्या लगता है जिस तरह की अब तक बातें सामने आई? देखिए, आज सवेरे मेरे पास दीपेंद्र हुजारे जी का फ़ोन आया, बड़े बहुड़ा साहब भूपेंद्र सिंह जी XCM साहब का भी फ़ोन आया और कई जाट सभाओं से, हरियाणा जाट सभा, राजस्थान जाट सभा से भी फ़ोन आया, भरतपुर और राजस्थान जाट सभा से भी फ़ोन आया। जाट जाति में ख़ास तौर से और भी क्यों जातियों में बड़ा रोष है कि इस जिस तरीके से, मैंने पिक्चर देखी नहीं है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनको दर्शाया है, असलियत जो है ये है कि जब ये मराठा और पेशवा जा रहे थे तृतीय पानीपत युद्ध लड़ने, तो और इनके साथ इनकी लेडीज़ और पूरा लवाजमा भी था, तो महाराजा सूरजमल ने इनको सजेस्ट किया था कि आप, उनकी आर्मी ज़्यादा है, आप न जाएं तो बढ़िया रहे और अपनी लेडीज़ और इनको यहाँ छोड़ जाएं कुम्हेर में। कुम्हेर जब राजधानी हुआ करती थी भरतपुर स्टेट की, तो आप इनको यहाँ हमारे पास सुरक्षित छोड़ जाएँ। उनकी जो महारानी थी सूरजमल, महाराजा सूरजमल की महारानी किशोरी, उन्होंने ऑफर दिया था, ये लोग नहीं माने, इन्होंने धमकी दे के गए, उन्होंने ये कहा कि जाट तुझे आके वापस देख लेंगे हम। और जब ये बुरी तरह पिटकर आए वहाँ से, पेशवा और मराठा बुरी तरह पिटकर घायल आए, तो 6 महीने तक इनको, इनकी पूरे सेना को, इनकी पूरी लेडीज़ को, जो भी इनके साथ सेना थी सबको पनाह दिया महाराजा सूरजमल ने और महारानी किशोरी ने 6 महीने के लिए। और वहाँ खांडेराव होलकर जी जो इंदौर के महाराज थे, उनकी डेथ भी हुई है और गांगरसौली में उनका जो कुम्हेर से 2 किलोमीटर दूर है गांव में, उनकी छतरी भी बनी हुई है। तो ये बिल्कुल असत्य है और ये केवल इन्होंने जाटों को नीचे दिखाने के लिए ये काम किया है और मराठाओं की बढ़वाई करने के लिए ये पिक्चर बनाई गई है। क्या करेंगे कि इस तरह फिल्म और इसका विरोध होगा और मैं आज अपनी तरफ से नॉट एज मंत्री बट एज इंडिविजुअल एज ए जाट एंड एज फैमिली फ्रॉम महाराजा सूरजमल डायरेक्ट इन लाइन 14th generation, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ कि राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पर बैन लगाना चाहिए, अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को रोज उठा रहे हैं और हो सकता है कि इसके पीछे तगड़ा कोई बवंडर भी मच जाए। कि इतिहास को अपन नहीं बदल सकते, इसमें भी इतिहास को बदलने की कोशिश की है, इसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि महाराजा सूरजमल एक लालची राजा थे, महाराजा सूरजमल ने जितने युद्ध लड़े, हम अकेली स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जहां किसान का बेटा राजा बना और फिर महाराजा बना, और अहमद शाह अब्दाली ने फिर उन्हें महाराजा ब्रजेंद्र सवाई का टाइटल दिया और उनको इतना सम्मान दिया और इतने बड़े स्टेट्समैन थे, और उनके खिलाफ अगर अनर्गल टिप्पणियाँ की गई हैं पिक्चर में तो क्यों नहीं बैन हो सकती, और इसके लिए जाट समाज में बहुत ज़्यादा रोष है।